हिमाचल प्रदेश की सिराज विधानसभा सीट, जहां से सीएम जयराम ठाकुर लड़ेंगे चुनाव। सीएम जयराम के खिलाफ चुनावी मैदान में कौन? क्या है सिराज विधानसभा सीट की खासियत, राजनीतिक समीकरण और इतिहास? हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें प्रदेश की सबसे हॉट सीट यानी सिराज विधानसभा सीट पर है। सिराज का चर्चाओं में आने का सबसे बड़ा कारण है सीएम जयराम ठाकुर। जी हां, बीजेपी ने सीएम जयराम ठाकुर को सिराज विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। वन इंडिया हिंदी की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सिराज विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण के बारे में जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि इस बार सीएम जयराम ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीएम ने किन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। सिराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीट नंबर 29 है। सिराज विधानसभा सीट साल 2008 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। इससे पहले यह सीट चचोयट के नाम से जानी जाती थी। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो यहां से 2017 में सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी की ओर से चुनाव जीता था। 2012, 2007, 2003 और 1998 में भी जयराम ठाकुर यहां से चुनाव जीते। 1993 में मोतीराम ठाकुर ने कांग्रेस की ओर से लड़ते हुए यहां से चुनाव जीता था। 1990 में मोतीराम ठाकुर जनता दल की ओर से चुनाव में उतरे थे और उन्होंने चुनाव जीता था। 1985 में शिवलाल कांग्रेस की ओर से यहां पर विधायक बने। 1982 में मोतीराम ठाकुर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते। 1977 में मोतीराम ठाकुर ने जनता पार्टी की ओर से यहां चुनाव लड़ा और जीते। 1972 और 1967 में कांग्रेस के करम सिंह ठाकुर यहां से विधायक चुने गए। लगातार चार विधानसभा चुनाव जीतने वाले जयराम ठाकुर साल 2017 में भी यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन इस बार उन्हें प्रदेश की कमान संभालने का मौका मिला और उन्हें सीएम बनाया गया, जिसके कारण सिराज विधानसभा सीट बीआईपी सीटों में शुमार हो गई। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के चेतराम ठाकुर को करीब 9000 वोटों के अंतर से हराया था। दो दशकों से ज्यादा समय से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम है। सिराज विधानसभा सीट के जातीय समीकरण को अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ सबसे ज्यादा राजपूत बिरादरी का प्रभाव माना जाता है। इस सीट पर ठाकुर करम सिंह, पंडित सुखराम, कौल सिंह ठाकुर जैसे मजबूत नेता का काफी प्रभाव रहा है। मंडी जिले की ये सीट इस बार की सबसे हॉट सीट रहने वाली है। ये वही सीट है जहां से सीएम जयराम ठाकुर लगातार 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में सीएम जयराम ठाकुर की नजर लगातार छठी जीत पर होगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में सिराज सीट से बीजेपी ने जहां जयराम ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से चेतराम ठाकुर पर भरोसा जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सीएम जयराम ठाकुर के सामने एडवोकेट गीतानंद ठाकुर को टिकट दिया है। वहीं सीपीएम ने महेंद्र राणा को सिराज से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।